बॉलीवुड की फिल्में एक तरफ, साउथ में जैसे मैं कहूंगी मेरे बचपन में पहला मेरा इनिशिएशन रहा होगा रजनीकांत को देखकर। अब रजनीकांत को अगर कोई गोली चलाता था तो वो दांत से भी कैच कर सकते थे, उनकी गोली कितने भी टुकड़े में बंट सकती थी। आज भी अगर बाहुबली होता है तो वो शिवलिंग को उखाड़ कर अपने कंधे पर रख सकता है। तो साउथ की जितनी भी सिनेमा है उनके हीरो कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे हम जाते भी हैं तो जो हमारे पोस्टर इधर छोटे लगेंगे वहां पर कटआउट बड़े बड़े लगेंगे। लार्जर देन लाइफ इज पार्ट ऑफ लाइफ। सिनेमा तो लोग ऐसा ही देखते हैं। नहीं, मजा भी वही आता है। दो तरीके का फिल्म है, मतलब नॉट ओनली दैट काइंड ऑफ अ फिल्म लाइक अ मास कमर्शियल और ऐसा लार्जर देन लाइफ आप कह रहे हैं, और रजनी सिर्फ रजनी सर कर सकते। अगर किसी और ऐसा किया तो लोग हंस के जाते, अगर रजनी सर किया तो वो स्टाइल मानते हम लोग। तो एक फिल्म इंडस्ट्री में हर जॉनर का फिल्म आना चाहिए, एक ऐसा कुछ मास वाला फिल्म भी आना चाहिए, एक बुलेट को मतलब ऐसे पकड़ सकते हैं ऐसा, और शिवलिंग को ऐसा लिफ्ट करना वैसा भी फिल्म आना चाहिए, और एक रियलिस्टिक फिल्म भी आना चाहिए जो लोगों को ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए, वो सोसाइटी में क्या चल रहा है वो लेके आके हम पेश करना चाहिए और वो लोगों को कनेक्ट होता है। तो पहले मतलब अर्ली 90s तक ऐसा कुछ फिल्म आता था, मतलब हिंदी फिल्म हो कन्नड़ा फिल्म हो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हर लैंग्वेज का आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ फिल्म आते थे, एक मतलब एक पैरेलल फिल्म भी आते थे और एक रियलिस्टिक फिल्म भी आते थे, एक कमर्शियल फिल्म भी आते थे, और सुपरस्टार्स जो थे वो लोग स्पेशली इन कनाडा एक लेजेंडरी फिल्म एक्टर थे डॉक्टर राजकुमार जी, उन्होंने एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर भी करते थे और एक कमर्शियल बॉन्ड फिल्म जैसा एक कैरेक्टर भी करते थे जी। और एक सर्वसाधारण एक मामूली बंदा एक गांव में मिलता है वैसा कैरेक्टर भी करते थे हाँ। जो लोगों को ये सब कैरेक्टर्स पसंद आते थे और ये हर जॉनर लोग पसंद करते थे हाँ। तो ऐसे बहुत सारे जॉनर्स को देखने वाले ऑडियंस हैं, जो अर्ली 90s के बाद कमर्शियल फिल्म्स का ये ज़्यादा हो गया, जो कमर्शियल फिल्म देखते हैं वो ऑडियंस को ज़्यादा ट्रीट किया है सो हाँ। उसके बाद ऐसा कुछ पैरेलल फिल्म्स कम हो गया, तो बैलेंस होना चाहिए हाँ। उस तक 90s तक जो बैलेंस था वो उसके बाद गया, शायद वो एक प्रॉब्लम है आज हिंदी में भी वही चल रहा है, सिर्फ कमर्शियल हो सकता है ट्रांजिशन फेज हो हाँ। बदल जाए, चीजें बदल जाए, लेकिन अभी तो वही हो रहा है कि मैंने मोहनलाल की दृश्यम देख ली तो फिर मैं अजय देवगन की दृश्यम देखूं या नहीं देखूं वाला सवाल लोगों के सामने आ जाता है। पर ये बताइए कि जैसे रजनीकांत की बात मैंने की तो वो सुपरस्टार थे हैं, पर हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करके पैन इंडिया बनने का एक कोशिश भी रही, चालबाज में अब रजनीकांत स्टार कर रहे हैं, क्या ऋषभ शेट्टी सोचते हैं कि उन्हें कन्नड़ फिल्मों से अलग निकलकर बॉलीवुड की फिल्म करेंगे तभी एक्सेप्ट होंगे, या फिर आपके मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अभी भी मुझे कन्नड़ा फिल्म करना चाहिए हाँ। मैं मुझे आप आज इधर बुलाए हैं तो बात कर रहे हैं सिर्फ बिकॉज कन्नड़ा सिनेमा के लिए, मैं कन्नड़ा फिल्म में मुझे इतना अच्छा मौका मिला सो मेरा मैं कन्नड़ी का हूँ, दैट इज़ माई आइडेंटिटी ठीक है। अभी मैं इधर तक पहुँचा कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हूँ सो ऐसा कुछ सोच नहीं है मन में नहीं है वैसा कुछ। पर आपने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा उनका भी योगदान रहा है हाँ। बहुत सारी फिल्में आप देखते हो, आप कोई पसंद अपनी बताएंगे, आपको आपको कौन सा अच्छा लगा? बच्चन साहब, बच्चन साहब, डेफिनेटली बच्चन साहब फिनोमेना रहे हमेशा से हाँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे याद अफगानिस्तान जैसे देशों की बात होती है कि वहां पर लोगों ने हिंदी सीखा, और यही मुझे लगता है कि अभी अगर साउथ की फिल्में हिट होती हैं तो मुझे लगता है कि बाकी का देश सीख रहा है वो लैंग्वेजेस, लैंग्वेज जो फिल्में हैं वही लैंग्वेज को बढ़ाती हैं हाँ। ये बात तो इसलिए मुझे कांतारा किया, बहुत सारे लोग में एक मतलब सिर्फ कनाडा में हम लोग टीजर रिलीज किए KGF रिलीज के समय, हम लोग थिएट्रिकल टीजर रिलीज किए, ज्यादा प्रमोशन भी नहीं किए, सीधा हम लोग थिएटर में डाल दिए बहुत सारे लोग पूछ रहे कि उस समय ये पैन इंडिया करो मतलब एक सीजन चल रहा है ना अभी पैन इंडिया का सो बहुत सारे लोग पूछा है कि मुझे ये पैन इंडिया कर दो, मैं बोला नहीं, ये एक कोस्टल कर्नाटका का एक रिचुअल, हमारा वो रीजनल रूटेड कंटेंट बता रहा हूँ मैं, ये सिर्फ कनाडा में पहली बार जाना चाहिए, उसके बाद लोगों को पसंद आया हम डब करके कर सकते, कोई बात नहीं, OTT में भी हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी डब करके रिलीज करके, ऐसा एक स्टेटमेंट था, वो एक स्वार्थ भी था मेरा क्योंकि मुझे एक कनाडा फिल्म बनके ये एक रिकग्नाइज होना चाहिए था मुझे सो
उस समय लोगों को मन में आएगा कि ये कर्नाटक का एक कल्चर है, उधर का एक रीजनल कंटेंट है, ये समझ में आएगा, ये एक थॉट था। रीमेक होना चाहिए या डब होना चाहिए? रीमेक के बारे में मुझे ज्यादा ये नहीं है, ओपिनियन नहीं है, तो डब होना चाहिए करके, ठीक है। सो हम लोग रिलीज किए, जो कनाडा ऑडियंस ने इतना वर्ड ऑफ माउथ वाइल्ड फायर जैसा स्प्रेड किया है, दूसरे स्टेट में भी उधर से भी कॉल आया, तो डब करके रिलीज करो। सिर्फ दो हफ्ते लिए हम लोगों ने, दिन रात हम लोग पूरे डब करके रिलीज किए, मतलब ये पूरा प्लान नहीं था।